रायबरेली में 2.5 माह की गर्भवती स्त्री के साथ दबंगों ने की मारपीट। मारपीट की घटना में गर्भ में पल रहे शिशु की हुई मौत। जमीनी विवाद के मामले में आधा दर्जन दबंगों ने की मारपीट। प्राथमिक उपचार के लिए गर्भवती स्त्री को महिला जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला की परिजनों के द्वारा कोतवाली में दी गई लिखित तहरीर। सलून कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की घटना। क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। क्या हुआ? हम गए थे मंदिर पे, वहाँ पे जमीन नप रही थी हाईवे पे हमारी, तो हम गए थे मंदिर पे, तो वहीं से गए हाईवे पे देखने जमीन, और वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। फिर वहाँ पे लड़ाई उड़ाई हो गई, हम रिक्शा से गए थे, वापस आ रहे थे, तो कुछ लोग हमें रिक्शा से खींच के बाल पकड़ के मारने लगे। दीपक थे, राजिंदर थे, और घनश्याम और नरेंद्र थे, और लोग थे, उनको पहचान नहीं पाए, और पेट पे भी मारे। 2.5 महीने के बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया। कोतवाली में भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। सलवन कोतवाली में गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में 1 बजे भेजा गया, 9-6 बजे के आए कोतवाली में, 1 बजे ट्रीटमेंट के लिए सलवन ब्लॉक में भेजा गया था, वहाँ पर भी नहीं ट्रीटमेंट हुई। सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया गया था बस, वहाँ पे भी कह रहे थे कि नाटक कर रही हैं। फिर वहाँ से चले आए थाने, थाने से घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम सुबह ब्लीडिंग चल रही थी, फिर यहाँ आए सलवन, यहाँ रायबरेली में, तो रायबरेली में आज 3-4 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, भर्ती हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी किसी की ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई सुनवाई हुई है। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सलवन ब्लॉक, सलवन में रहते हैं, निकट ब्लॉक लिखा जाता है। नहीं, जिन्होंने मारपीट की है वो लोग कहाँ रहे? औना नीस की रहने वाले। औना नीस की।